जब बीजेपी शासन में थी तो क्या क्या हो रहा था भूल गए क्या? एक एक घटना को याद दिलाना पड़ेगा। एक एक परिवार को मौत के घाट, पूरे परिवार को उतार दिया जाता था। पटना में किस तरह से सरेआम गोली मारी जाती थी। देखिए, अपराध पर कोई कंप्रोमाइज नीतीश तेजस्वी की सरकार नहीं करेगी। कानून का राज स्थापित करना पहला उद्देश्य है, उसमें सफलता मिली है सरकार को। इसलिए बीजेपी तो एक्सपोज हो गई, जो भी गड़बड़ी करेगा उनकी खैर नहीं है, सारे सलाखों के पीछे होंगे। अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है और कुचल दिया जाएगा। अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है और कोई भी अगर अपराध करता है उसका खैर नहीं, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं गड़बड़ी करने में, माहौल खराब करने में, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भी खैर नहीं है। आपने देखा सासाराम बिहार शरीफ के मामले में किस तरह लोग एक्सपोज हुए। तो जो विरोधी बीजेपी है उनके पास ये कौन सा तिलिस्म है, सत्ता में इन होती है तो मंगल राज, सत्ता से आउट होती है तो जंगल राज, ये अब जनता भी समझ रही है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर लेकर साफ तौर पे भाजपा जो है हमलावर, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिले हैं तब से जंगल राज नहीं गुंडा राज हो चुका है बिहार। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और भाजपा के सम्राट चौधरी जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं इस पर लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। अभी तो एक वर्ष हुए हैं नीतीश तेजस्वी की सरकार, आपराधिक घटनाओं में कमी हुई है, एक दो घटना हुई है जिस पर शासन प्रशासन का इकबाल किस तरह है दिखा है। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है और कोई भी अगर अपराध करता है उसका खैर नहीं, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं गड़बड़ी करने में, माहौल खराब करने में, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भी खैर नहीं है। आपने देखा सासाराम बिहार शरीफ के मामले में किस तरह लोग एक्सपोज हुए। तो जो विरोधी बीजेपी है उनके पास ये कौन सा तिलिस्म है, सत्ता में इन होती है तो मंगल राज, सत्ता से आउट होती है तो जंगल राज, ये अब जनता भी समझ रही है। जब बीजेपी शासन में थी तो क्या क्या हो रहा था भूल गए क्या? एक एक घटना को याद दिलाना पड़ेगा। एक एक परिवार को मौत के घाट, पूरे परिवार को उतार दिया जाता था। पटना में किस तरह से सरेआम गोली मारी जाती थी। देखिए, अपराध पर कोई कंप्रोमाइज नीतीश तेजस्वी की सरकार नहीं करेगी। कानून का राज स्थापित करना पहला उद्देश्य है, उसमें सफलता मिली है सरकार को। कटिहार मामले पे कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है और साफ तौर पे भाजपा का कहना है कि अगर बिहार में नौकरी मांगेगा तो लाठियां चलेगी और बिजली मांगेगा तो गोलियां चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे चीज़ों पर ज्ञान और प्रवचन नहीं देना चाहिए। बीजेपी तो अभी एक साल से सत्ता से बाहर है ना, इसके पहले कितने को रोजगार दिया, 19 लाख का वादा था। ये तो सरकार है पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली। कटिहार के मामले पर DMSP ने CCTV फुटेज का वीडियो सामने ला दिया, कोई अपराधी घुसकर उसमें गोली चला रहा था। इसलिए बीजेपी तो एक्सपोज हो गई, हर मुद्दे पर 24 घंटा बीजेपी खोज रही है मुद्दा, और इस पर जिस पर भी बीजेपी सवाल खड़े करती है उसमें खुद ही बीजेपी कटघरे में खड़े हो जाती है। मुजफ्फरपुर में घटना घटी है जिसमें 3 मुस्लिम युवकों को उठाया गया शक के बुनियाद पे और एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसको लेकर भी काफ़ी इस घटना की हमें जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर हम प्रतिक्रिया। एक पोस्टर भी जारी हुआ था कि खून हुआ, खून ये इसको भी हमने कहीं देखा नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि बिहार में इस तरह की घटना? बिहार में हमने कहा कानून का राज है, लेकिन हमारे विरोधी बौखलाए हुए हैं क्योंकि शासन प्रशासन काम कर रहा है, कानून का राज स्थापित कर रहा है। जो भी गड़बड़ी करेगा उनकी खैर नहीं है, सारे सलाखों के पीछे होंगे। अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है और कुचल दिया जाएगा। एक्चुअली हमारे साथ राज्य के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रही है और अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं अब कुचल दिया जाएगा। भाजपा, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आप पहले भाजपा से भी जाकर पूछ लें कि जब वो शासन में थे तो किस तरह से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे थे। हालांकि जब से नीतीश और तेजस्वी साथ आए हैं बिहार में आपराधिक मामले कम हुए हैं, मगर इधर एक दो घटना हुई है जिस पर जो है जांच टीम बैठी हुई है, पुलिस जांच कर रही है और जैसे ही उसका जांच पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अपराधियों को कुचल दिया जाएगा। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।